बात करते हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि वहां भी शिंदे मंत्रिमंडल का आज विस्तार होने जा रहा है। मी एकनाथ संभाजी शिंदे, रवींद्र गंगाधरराव फडणवीस, ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की इंतजार के बाद आज महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। शपथ ग्रहण सुबह 11 बजे राजभवन के दरबार हॉल में होने वाला है। बड़ी खबर यह कि 12 से 15 मंत्री आज कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। मंत्रियों के नामों पर अंतिम मुहर को लेकर फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शिंदे कैबिनेट में बीजेपी के 8 और शिंदे गुट के 7 विधायकों को मंत्री पद मिल सकता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सुबह 9 बजे शादरी गेस्ट हाउस में अपने खेमे के विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 40 दिन से जो इंतजार लगातार हो रहा था मंत्रिमंडल विस्तार का, विभागों के बंटवारे का, वो आज पूरा हो जाएगा इसी विस्तार के साथ ही। तो सीएम और डिप्टी सीएम की शपथ हुई थी, लेकिन उसके बाद से लगभग 40 दिन का इंतजार करना पड़ा 30 जून के बाद। अब आज जाकर के नए मंत्री शपथ लेंगे और जो विभाग जिनको मिलेंगे इन सब पर अब मुहर लग चुकी है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी तक की नहीं गई है, लेकिन आज जब शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद पूरी तस्वीर मंत्रिमंडल की साफ हो जाएगी। तो 40 दिन का लंबा इंतजार और उसके बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला। देखिए कौन कौन से संभावित चेहरे हैं वो हम आपको बताते हैं। बीजेपी के चेहरे चंद्रकांत पाटिल, राधा कृष्ण विखे पाटिल, सुधीर मुंगंटीवार, क्योंकि ये तीनों ही बड़े चेहरे, चंद्रकांत पाटिल प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के बीजेपी के। वहीं बीजेपी के कौन कौन से और चेहरे हैं, गिरीश महाजन, सुरेश खाड़े, मंगल प्रभात लोढ़ा, ये सब आज शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा अतुल सावे, रविंद्र चौहान भी शपथ आज लेंगे। किसको कौन सा विभाग होता है उसके लिए और भी ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी लगातार जुड़ी हुई है ग्राउंड जीरो से। शिवानी, कौन कौन से चेहरे हैं, किनको कौन सा विभाग मिल सकता है, इसके बारे में क्या अंदर खाने से खबर? देखिए अगर खानों की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर रेवेन्यू, होम डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्लियर किया गया है। वहीं एकनाथ शिंदे के कैडर के लिए अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है उसकी पुष्टि की गई है। हालांकि अगर नामों की बात की जाए तो साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से चंद्रकांत पाटिल, राधाकृष्ण पाटिल, सुधीर मुंगंटीवार, गिरीश महाजन, सुरेश खाड़े, मंगल प्रभात लोढ़ा, अतुल सावे और साथ ही साथ रविंद्र चौहान का जो नाम है वो सामने आया गया है। वहीं एकनाथ शिंदे के शिवसेना की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर कहा जाएगा कि गुलाबराव पाटिल, दादा भूसे, उदय सामंत, शंभू राजे देसाई, संदीपन भुमारे, भरत गोगावले और बच्चू कड़ू, ये वो नाम होंगे 7 शिवसेना की तरफ से और 8 बीजेपी की तरफ से, जो कि आज शपथ विधि 15 लोग जो मिलकर हैं वो कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है वो अपनी स्थापित करेंगे। 15 लोगों की शपथ विधि होगी। ये पहला फेज है जहां पर शपथ विधि होने वाली है। डिपार्टमेंट्स काफी ज्यादा क्लियर हैं। बीजेपी के पास अभी भी सीटों का आंकड़ा जो है वो काफी ज्यादा है, जिसके चलते ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सीटों का आंकड़ा ज्यादा होने के चलते उनके पास जो अहम मंत्रालय है और उसकी जो संख्या है वो भी काफी ज्यादा रहने वाली है। जी बिल्कुल, 40 दिन का शिवानी वक्त लग गया। इसका साफ साफ मतलब ये है कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा इसको लेकर के मंथन चल रहा था, यानी कि पूरी तरीके से सहमति बन गई शिंदे गुट और साथ ही बीजेपी के बीच में। उसके बाद आज शपथ ग्रहण होने जा रहा है। नहीं शिवानी, बिल्कुल देखिए 40 दिनों का लंबा इंतजार यहाँ पर किया गया और फिलहाल आपको संजय तस्वीरों के जरिए भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर। फिलहाल हम उस जगह पर एंटर कर रहे हैं जहाँ पर आज पूरा कैबिनेट एक्सपांशन जो है मंत्रिमंडल का स्थापन है वो होगा और आप इस तरीके से देख पाएंगे यही वो जगह है जहां पर एकनाथ शिंदे द्वारा शपथ ली गई थी, देवेंद्र फडणवीस द्वारा शपथ ली गई थी। आप देख पाएंगे पूरी तरह से जो स्टेज है वो शुरू है, लिखा गया है बकायदा कि शपथ विधि समारंभ जो है वो इस दरबार हॉल में राजभवन के आज 9 अगस्त को होना है। तो वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो इन बैंड्स की हैं जो कि आपको साफ तौर पर दिखेंगे कि ये तब बजेंगे जब जो मंत्रिमंडल है वो अपनी शपथ विधि के साथ आगाज करेगा महाराष्ट्र में नई संस्थान को, नई सत्ता को स्थापित करने का। जी बिल्कुल शिवानी, हमें तस्वीरें लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। तो 15 नए मंत्री शिवानी आज महाराष्ट्र को मिलने जाने, एक बार फिर से आप प्रमुख मंत्रालयों की अगर जानकारी हमारे दर्शकों को दे पाए, जो मुख्य मंत्रालय हैं जिस पर सबसे ज्यादा मंथन पूरे 40 दिनों के दरमियान दोनों ही के बीच में चल रहा था, शिंदे गुट और साथ ही बीजेपी के बीच, वो किसके खाते में गए हैं?
जी देखिए बिल्कुल, यहाँ पर डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अहम डिपार्टमेंट था होम डिपार्टमेंट, जिसको लेकर खुद एकनाथ शिंदे की भी दिलचस्पी सूत्रों के हवाले से पता चली थी, लेकिन फिलहाल वो डिपार्टमेंट जो है वो बीजेपी के खेमे में जा रहा है। यहाँ पर सीटों का आंकड़ा और उनके वोटों की गिनती को भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा, इसीलिए जो बहुत अहम डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर सबसे पहले मैं अगर कहूँगी गृह मंत्रालय इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राज्य भर में होने वाली हर एक मूवमेंट जो है उसे गृह मंत्रालय से पास होकर ही जाना होगा। साथ ही साथ जो पुलिस होती है यानी कि जो कंट्रोल है स्टेट का पावर का, वो गृह मंत्रालय के हाथ में होता है, जो कि बीजेपी को जाने वाला है। इसके अलावा फाइनेंस और रेवेन्यू की बात की जाए तो ये भी दो अहम होंगे डिपार्टमेंट जो कि बीजेपी के हाथ जाएंगे। हालांकि ये देखने वाली बात यहां पर होगी कि जब महाविकास आघाड़ी सरकार की सत्ता यहां पर विराजित थी 2.5 सालों तक, उस वक्त भी ये जो डिपार्टमेंट्स थे ये एनसीपी के पास थे और इसमें से एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो था वो कांग्रेस के पास था, और इसीलिए शिवसेना ने लगातार गुस्सा भी अपना नाराजगी भी दाखिल की थी कि क्यों लगातार अहम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीएम की कुर्सी शिवसेना को देने के बाद एनसीपी और कांग्रेस को दिए गए हैं। लेकिन फिलहाल इस सत्ता में भी कहीं ना कहीं ये बड़े अहम डिपार्टमेंट जो हैं वो शिवसेना से हटके बीजेपी के साथ होंगे, तो वहीं शिवसेना आगे भी उसी रूरल डेवलपमेंट अर्बन डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के साथ आगे बढ़ रही है जो कि एकनाथ शिंदे के अंदर ऑलरेडी आता था। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है वो भी इस बार एकनाथ शिंदे के शिवसेना को ही दिया जा रहा है। तो ये 6 अहम डिपार्टमेंट है जो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सीधे सीधे तौर पर बांट दिए गए हैं, लेकिन हाँ सबसे स्ट्रांग डिपार्टमेंट अगर कहीं है तो वो बीजेपी के खेमे में है, ये साफ है। और जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि 40 दिनों का लंबा इंतजार लगा, 40 दिनों तक सारे मिनिस्ट्रियल्स के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस जो थे वो अटके थे, वो रुके हुए थे, सारी की सारी अथॉरिटी जो थी वो महज एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर के पास थी, इसलिए आप कह सकते हैं कि जो कैबिनेट का एक्सपांशन होगा जिसको लेकर लगातार विपक्ष द्वारा भी सवाल उठाए गए थे उसका कहीं ना कहीं जो अब एक्सपांशन पर विराम लगने जा रहा है उन तमाम सवालों पर, क्योंकि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। शिवानी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।